तो स्वागत है आप सभी लोगों का रियो डी जेनेरियो में। और ये रियो की पहली वीडियो होगी, पर ये शायद मैं रोड ट्रिप वाली वीडियो उससे पहले डाल दूंगा, क्योंकि फिर रोड ट्रिप कंप्लीट करेंगे तो ब्राजील खत्म हो जाएगा फिर रियो में आने के बाद। ठीक है, तो ये मैंने कैमरा उठाया होगा लगभग एक हफ्ते बाद, क्योंकि मैं रेस्ट कर रहा था, वीजाज की एप्लीकेशन दे रहा था एम्बेसीज में कि भाई कोई दे दो यार वीजा है बेचारे गरीब को। तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैं यहीं पे लेटा रहता था। मेरे जो लैपटॉप का चार्जर है भाई, वो मेरे जो राज भाई हैं उनके घर पे रह गया था, तो 3 दिन से लैपटॉप नहीं चल रहा था। तो फिर एक लेनोवो का लेके आया मैं चार्जर, जिससे भी काम चला रहा हूँ मैं। यहाँ ब्राज़ील में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत महंगे हैं भाई, एप्पल का ओरिजिनल चार्जर मेरे हिसाब से यहाँ पे कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये का मिलेगा, क्योंकि लोकली चार्जर दे रहे थे वो कुछ 6 हज़ार के करीब का, तो ओरिजिनल तो पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। तो ये लेनोवो का लेके आ गया मैं 3 हज़ार रुपये का, इससे सही चार्ज हो रहा है अपना। तो आज का प्लान है भाई, हम जाएंगे कोपा कबाना बीच, और ये वो बीच है भाई जहाँ पे धूम 2 की जो लास्ट पार्ट है, जहाँ पे ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय आके बस जाते हैं, क्राइम छोड़ देते हैं और अपना एक रेस्टोरेंट वगैरह में काम करने लग जाते हैं। तो वो ये वही बीच है, वर्ल्ड फेमस बीच, इतने फेमस बहुत कम बीच हैं भाई पूरे वर्ल्ड में। तो ये बीच तो विजिट करना बनता था अगर आप रियो डी जेनेरियो में आ रहे हो, और मतलब आप रियो डी जेनेरियो की मतलब फ़ोटो सर्च करोगे, कुछ भी सर्च करोगे, तो कोपा कबाना बीच सबसे ऊपर आएगा। तो चलते हैं कोपा कबाना बीच, पर उससे पहले मेरे को सबमिट करनी है बोलीवियन एम्बेसी में अपनी एप्लीकेशन। कल मैं गया था, एक दो डॉक्यूमेंट में थोड़ी दिक्कत आई उनको, तो उन्होंने कहा कल दोबारा आ जाना वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करके। मैंने कहा ठीक है भाई, दोबारा आ जाऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरा बोलीवियन एम्बेसी सक्सेसफुल हो जाता है तो जैसी वीज़ा मिलेगा अपना कोविड टेस्ट करा के, हम आगे निकल जाएंगे बोलीविया की साइड। ठीक है, तो अभी मैं क्राइस्ट द रिडीमर जो रियो डी जेनेरियो में नंबर 1 पे, तो क्राइस्ट द रिडीमर है भाई, कोपा कबाना बीच नंबर 2 पे है, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो क्राइस्ट द रिडीमर जो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, वो आज विजिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज विजिट कोपा कबाना बीच के बाद मेरा एक और प्रोग्राम है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार वो वाला प्रोग्राम, वहाँ से हमको ड्रोन उड़ाना है, और वो अगली वीडियो में पता चलेगा भाई क्या प्रोग्राम है। ठीक है, तो क्राइस्ट द रिडीमर आज नहीं, शायद कल ही हो पाएगा। तो पिछले एक हफ्ते से रियो आया हुआ और क्राइस्ट द रिडीमर विजिट नहीं किया है मैंने, रोज सोचता हूँ आज जाऊँगा, जाता ही नहीं हूँ मैं। चलो कोई नहीं, अभी फटाफट ड्रोन पैक कर लिया, बोलीविया के कागज रख दिए अपने, बैग ले लिया, ईयरफोन ले लेते, गाने सुनेंगे और चलते हैं। तो मैं तीन दिन बोलीविया के एम्बेसी विजिट कर चुका हूँ। एक बार तो जब मैं रियो में आया था, अगले दिन ही गया था बोलीविया में एम्बेसी में पता करने, कॉन्सुलेट कहते हैं कि भाई क्या प्रोसेस है वीज़ा का, तो उन्होंने सब कुछ बताया था ऐसे ऐसे है। फिर मैं कल गया था एक हफ्ते बाद सब एम्बेसीज में पता करके। ओ भाई बारिश शुरू, यार ये तो पंगा है, ड्रोन उड़ाना था यार रात तो, चलो क्या पता बहाना हो रही हो। तो फिर उन्होंने बताया था कि ये चाहिए, कल गया मैं तो डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत थी, मैंने बताया, और फिर मैं अभी गया 9:30 बजे पहुँचा मैं एम्बेसी, उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए 9:30 बजे एम्बेसी पहुँचने के बाद, गई अंदर वो लड़की, लगभग ये मान लो आप 50 मिनट बाद लड़की वापस आई होगी, मैं बैठा था तब तक, शायद यार 50 मिनट भी नहीं लगाए, 50 तो ज़्यादा कह रहा हूँ यार मैं, कोई लड़की थी उसका काम कर रही थी, मैंने टाइम नहीं देखा, मतलब आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा लगा होगा, आई और मेरे से 2 पेपर्स पे साइन कराए और कहती ये लो आपका वीज़ा। मैंने कहा वीज़ा, तो कहती लग गया आपका वीज़ा, दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा ब्लैक एंड वाइट टाइप वीज़ा है, बारिश में गीला ना हो जाए। ठीक है, $30 फीस लगी, तुरंत हाथ में वीज़ा मिल गया, अब पंगा नहीं है कि एयरपोर्ट पे कुछ दिखाना पड़ेगा मेरे को, वीज़ा है मेरे पास, डन हो गया काम। मैंने इतना फास्ट प्रोसेस भाई ज़िंदगी में इंडिया में तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आप आधे घंटे में आपको वीज़ा मिल जाए किसी भी देश का, हाँ ऑनलाइन वीज़ा के अलावा, वीज़ा ऑन अराइवल थाईलैंड का इससे लेट मिलता है भाई। चलो चलते हैं जहाँ पे हमको जाना है आज। स्वागत है आप सभी लोगों का मोस्ट फेमस बीचेस इन द वर्ल्ड में से एक, कोपा कबाना बीच रियो डी जेनेरियो, और आप इमेजिन नहीं कर सकते ये बीच कितना फेमस है, क्या ही बता रहे, धूल उड़ रही है बीच पे। ये बीच भाई 4 किलोमीटर लंबा है, 4 किलोमीटर, सोच सकते हो 4 किलोमीटर कितना होता है,
तीन तीन या चार मेट्रो स्टेशन इस बीच पे लगते हैं, मतलब आप तीन या चार मेट्रो स्टेशन से यहाँ पे पहुँच सकते हो मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो। और मैं इस टाइम इसलिए आया हूँ क्योंकि एक तो ये दिन का भी नज़ारा दिख जाएगा आपको और फिर आपको रात का भी नज़ारा दिख जाएगा कि रात का कैसा सीन रहता है। अभी तो खैर बिल्कुल ही, मतलब जितना सोचा था उससे ज़्यादा क्राउड है भाई, मेरे को लग रहा था खाली होगा पर नहीं, अभी है। ब्राज़ीलियन लोग घूमने आते रहते हैं यहाँ पे तो उस हिसाब से ठीक ठाक क्राउड है। और अगर आपको जानना है कि ये मतलब बीच जो नॉर्मल डेज या फिर कार्निवल के टाइम पे कैसा होता है, कार्निवल हॉलीडेज के टाइम पे कैसा होता है बीच, तो भाई ये आपके साइड में मैंने दो फोटो डाल दी। मेरे को नहीं लगता कि पैर रखने का भी यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा कार्निवल के टाइम पे। तो और एक बात और, आप अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता है किस गाने की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, फर्स्ट इंडियन मूवी ब्राज़ील में जो शूट हुई थी वो थी धूम 2 और उसका गाना माई नेम इज़ अली, वो शूट हुआ था कोपा कबाना बीच पे। पूरा दिन में भी वो वहाँ शूट हुआ था और रात में भी शूट हुआ था। तो इंस्टा पे फॉलो कर लो भाई, इतना क्या आलस कर रहे हो, वहाँ पे मस्त मस्त स्टोरीज बनाता हूँ मैं इंटरटेनिंग। तो भाई देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ का। पहुंच गया मैं कोपा कबाना बीच पे और नजारा देखो यार, ओ भाई साहब, मतलब ये बीच भाई 4 किलोमीटर लंबा है भाई, पता नहीं लॉन्गेस्ट मोस्ट फेमस पता नहीं क्या है भाई, पर बहुत फेमस है यार ये बीच तो। और पीछे पूरी रियो की स्काईलाइन आप देख सकते हो। इस बीच को कवर करने के लिए आपको 2-3 दिन चाहिए बहुत आराम से, पर पता नहीं धूल सी उड़ रही है यार यहाँ पे और एक अजीब सी खुशबू भी है। तो भाई मैंने आपको बताया जैसे 3-4 मेट्रो स्टेशन लगते हैं यहाँ पे, तो मैंने क्या करा आखिरी वाले पे उतर गया जो मेरे हॉस्टल सबसे दूर था और मैं 4 किलोमीटर पैदल पैदल चलते हुए आखिरी तक चला जाऊँगा, मतलब बैठ जाऊँगा कहीं पर कुछ खा पी लेंगे और फिर आगे चलेंगे, तो ऐसे मैंने सोचा है। और मेरा हॉस्टल वाला बता रहा था कि यहाँ पे कंट्री वाइज फ्लैग्स लगे हुए हैं, मतलब जिस कंट्री का जहाँ फ्लैग लगा होगा ना वहाँ पे आपको उस कंट्री के लोग मिलने की संभावना ज़्यादा है, तो वो मेरे को अगर मिलता है वो चीज़ तो मैं ज़रूर दिखाता हूँ आपको। पर भाई नज़ारा यार क्या है यार ये, और यहाँ पे लोग सर्फिंग वगैरह मतलब सब चीज़ें होती हैं यार यहाँ पे। ये तो बस एक छोटा सा पार्ट है 4 किलोमीटर में से, मेरे को लगता मैं 1 किलोमीटर भी देख पा रहा हूँ। तो ये देखो ये पूरी स्काईलाइन है रियो की, यहाँ पे फ्लैग लगे तो हैं, वहाँ ब्राज़ील का लगा है और वो मेरे को पहचान में नहीं आ रहे वो कौन से देश के फ्लैग हैं, पर हैं यहाँ पे फ्लैग। तो चलो आपको दिन में दिखाते हैं। और पता नहीं धूल सी कैसे उड़ रही है यार यहाँ पे, पहला बीच देखा मैंने जिस पे ऐसी धूल उड़ रही है, मतलब धुंधला धुंधला आपको दिख रहा है, ये बीच की ही धूल है भाई, पहला बीच देखा मैंने जिस पे ऐसी धूल उड़ रही है, वरना क्लियर रहता है मौसम बिल्कुल बीचेस पे। और आज देखो मौसम भी बिल्कुल साफ हो गया, लहरें बहुत बड़ी हैं यार यहाँ पे, बहुत बड़ी लहरें हैं, अगर आपको पता नहीं यार गोप्रो में क्या दिख रहा होगा पर यार लहरें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, मतलब मेरे को नहीं लगता इन लहरों में अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आपको जाना चाहिए, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, वहाँ शायद छोटी हैं फिर वो दूर है इसलिए लग रहा है मेरे को, पर हैं बहुत बड़ी बड़ी भाई। भाई रात को थोड़ा संभल के रहना इस बीच पे क्योंकि चोर डाकुओं को पता है भाई यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं,
तो रात को बड़े आराम से लूट सकते हैं, अपनी चीज़ें संभाल के रखना भाई। यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड थिंग है ये रियो में, क्राइस्ट से भी ज़्यादा शायद लोग इस पे आते होंगे भाई। तो समझ गए ना कि भाई सब संभाल के रखना। मेरे पीछे आप देख सकते हो गाने को, ये कॉपीराइट आएगा साला। इस बीच का जो असली रूप है ना वो आप देख सकते हो कार्निवल के टाइम पे, मतलब उस टाइम यार ये कुछ भी नहीं है, ये टूरिस्ट यार ये तो मतलब ऐसे हैं जो मतलब बस आ गए हैं शाम को यहाँ पे खेलने, लोग नॉर्मल लोग। कार्निवल के टाइम पे भाई ये रूप अलग होता है इस बीच का बहुत, मतलब आप भिज जाओगे, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे। तो अगर अगले साल ब्राज़ील कार्निवल करता है तो भाई कार्निवल फरवरी में होता है, फरवरी मिड के बीच में, तो मैं पक्का भाई अगले साल पक्का कार्निवल पे आएंगे यहाँ पे। और क्योंकि मेरा वीज़ा एक साल तक वैलिड है पूरा, तो लगा ही मेरा 1 अप्रैल को वीज़ा है, तो पूरे साल वैलिड है मेरा। तो भाई मैं इमेजिन नहीं कर सकता कार्निवल पे यहाँ पे क्या होता होगा यार, क्या माहौल रहता होगा। पर रियो यार मतलब सबसे बेस्ट कार्निवल जो कहते हैं सेल्वाडोर का है, सेल्वाडोर यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, वो भी बीच सिटी है, सबसे बेस्ट उसका बता देंगे, अच्छा उसका है। पर पब्लिक सबसे ज़्यादा रियो के कार्निवल पे आती है क्योंकि सबसे फेमस ये है, सबसे अच्छा वो वाला है। तो 3-4 दिन आप इस कार्निवल पे रह सकते हो रियो वाले पे, 3-4 दिन आप सेल्वाडोर जा सकते हो, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास।